Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous lecture, we discussed about the telescope. And आज के इस lecture में हम आज के इस last lecture में इस chapter के last lecture में हम discuss करेंगे defects in human eye. अक्सर ऐसा होता है हमें धुंधला नजर आ रहा होता है, रात को नजर नहीं आ रहा होता और बहुत सी आंखों की problems होती हैं. So, आज हम जो डिस्कस करेंगे फिजिक्स के हवाले से दैट इज के दूर का नजर नहीं आता और करीब का नजर नहीं आता, ये जो दो प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हें डिस्कस करते हैं क्यों होती हैं और इनका जो है ना इलाज क्या है. सो इलाज आपके पास सिंपल ग्लासेस ही होते हैं, चश्मा लगा दो बेटा. सो शॉर्ट साइटेडनेस, अक्सर ये टर्म्स है ना बायो के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों वाले हैं, लेकिन मेरे जैसे बंदे जो कंप्यूटर में उन्हें कंफ्यूज करती हैं. सो एक छोटा सा तरीका मैंने यूज किया या सिंपल एक तरीका याद करने का. सो दैट इज के शॉर्ट, ओके, इसे हम कहते हैं. मैं आपसे यहाँ पे आ जाऊँ वर्ड में, तो आपके पास है शॉर्ट साइटेडनेस, ओके, और दूसरा आपके पास है लॉन्ग साइटेडनेस, ओके. हो इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ओके. बायो के हवाले से कहा जाए तो मायोपिया भी कहते हैं इसे. लॉन्ग साइटेडनेस मतलब फार साइटेडनेस. मैं थोड़ा कनेक्शन बना रहा हूं कि मैंने किस तरह से ना याद किया था इसे, और हम ऐसे कहते हैं हाइपरओपिया. और साथ ही साथ इसका एक और नाम भी होता है आपके पास हाइपरमेट्रोपिया, ओके. अब ये बायो की टर्म से आपको जरा तंग करेंगी, लेकिन बहरहाल जहन में रख लें, फिर भी एमसीक्यूज में आपको मे भी कहीं ना कहीं पे आपको पार दें. तो हाइपरमेट्रोपिया, ओके. अब मैंने जो याद किया वो इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से याद किया, ओके. अब ये कि नियर, नियर मतलब करीब, फार मतलब उसका उल्टा दूर. तो नियर साइटेडनेस मतलब करीब का सही से नजर आना और दूर का सही से नजर नहीं आना. शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस पे चीजें हैं वो क्लियरली नजर आना, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं वो हमें नजर नहीं आना सही से. लॉन्ग साइटेडनेस की बात की जाए तो लॉन्ग साइटेडनेस मतलब जो दूर की चीजें हैं जो ज्यादा बड़े डिस्टेंस पे रखी हुई हैं वो आपको क्लियरली नजर आए बिकॉज वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रखी हुई हैं. और फार साइटेडनेस की बात की जाए तो फार साइटेडनेस में मैंने ये निकाला जो चीजें दूर हैं वो सही से नजर आए, जो चीजें करीब हैं वो क्लियरली नजर ना आए, ओके. तो मैंने इस तरह से कुछ रखा है, तो फार मतलब दूर का सही से नजर आना, नियर मतलब करीब का सही से नजर आना, बाकी उसका उल्टा सही से नजर नहीं आना, ओके. तो नियर का उल्टा फार होगा, फार का उल्टा नियर होगा, सिंपल है. तो आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस दो टर्म्स हैं बायो में यूज होती हैं. शॉर्ट साइटेडनेस तब होती है जब आपको करीब की चीजें सही से नजर आ रही हो लेकिन दूर की सही से नजर ना आती हो, और लॉन्ग साइटेडनेस तब होती है जब आपको दूर की चीजें सही नजर आ रही हो लेकिन करीब की सही से नजर ना आ रही हो, धुंधली हो, ब्लर हो. सो दैट इज आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया. अब कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम में आपको बता दे रहा हूं, कॉपी पेस्ट एंड रन. आई होप मुझे यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी क्लियरली जिसमें से मैं आपको समझा सकूंगा. चलो ओके, ये रही. अब देखें आपके पास ये जो गोला है, ये गोला और कुछ नहीं, एक आई बनाई हुई है यहाँ पे, ओके. इसकी डायग्राम्स आपके पास बुक में भी हैं, सो यू कैन सी आल्सो फ्रॉम देयर. सो नॉर्मल आई का ये बनाया हुआ है,
जिसमें आपके पास ये वाला जो पॉइंट होता है ना लास्ट जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे जो यहाँ पे इस वाले एरिया में जो पॉइंट होता है ये आपके पास रेटिना होता है ओके। इस रेटिना के ऊपर सारी की सारी रेज आके कन्वर्ज हो जाएं, मतलब इस रेटिना के ऊपर इमेज बने, तो आपके पास नॉर्मल आईज होती है, आपके पास है ना ये डिफेक्ट नहीं होता आई का, ना ही शॉर्ट साइटेडनेस होती ना ही लॉन्ग साइटेडनेस होती, तो कोई फर्क नहीं है आपके पास, मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है। सो यहाँ पे कह रहा है व्हेन परफेक्टली रिलैक्स्ड द रेज ऑफ लाइट कम इन फ्रॉम इंफिनिटी एंड आर फोकस ऑन द रेटिना, ऐसे रेटिना कहते हैं रेटिना पे फोकस हो रही हो तो आपके पास जो इमेज है वो शार्प और क्लियर बन गई है ओके। अब शॉर्ट साइटेडनेस की बात की जाए तो शॉर्ट साइटेडनेस में आपके पास इमेज जो बनती है वो रेटिना पे नहीं बनती, इन फ्रंट ऑफ रेटिना के बनती है ओके। अब रेटिना के सामने बन जाती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे बन रही है। सो शॉर्ट साइटेडनेस में आपके पास इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ओके। और लॉन्ग साइटेडनेस में बात करें तो आपके पास इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना ओके। तो शॉर्ट में आपके पास इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगी इमेज, और लॉन्ग साइटेडनेस में आपके पास बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही है। अब जरा आपका कॉन्सेप्ट में चेक करूं तो आई होप आप मुझे समझा सकेंगे कि इमेज जो है वो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, मैं चाहता हूँ इस ये इमेज रेज जो है वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो। सो थिंक फॉर अ वाइल एंड मुझे बताओ कौन सा लेंस शुड आई यूज फॉर दिस फॉर द डिफेक्ट ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, इसे करेक्ट करने के लिए मैं कौन सा लेंस यूज करूं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे, आपने सोच लिया होगा, इनकेस अभी तक नहीं तो पॉज करके सोचते रहें, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सो आप देखें यहाँ पे आपको क्या करना है, रेज जो आ रही है उन्हें डाइवर्ज करना है ओके। मतलब आईज में एंटर होने से पहले अगर रेज डाइवर्ज हो जाएंगी तो आपके देन अगर रेज पहले ही डाइवर्ज हो जाएंगी इस पॉइंट पे, देन आपकी आई जो वो कन्वर्ज करेगी रेज को, तो आपके पास इमेज जो बनेगी वो बनेगी रेटिना पे ओके। सो इसके लिए आप डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोले तो कमेंट करके मुझे बता दो। आगे आते हैं, यहाँ पे उसका उल्टा होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे कन्वर्जिंग लेंस ओके। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे आंखों के सामने, जिसे हम कहते हैं ग्लासेस या गोगल्स, उसे हम यहाँ पे सामने रखेंगे और वो है ना आई में एंटर होने से पहले ही रेस को जरा कन्वर्ज कर देगा, जिसकी वजह से आई जो है वो रेटिना के ऊपर इमेज को बना सकेगी ओके। सो ये आपके पास हो गया कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस के थ्रू एसएलओ नंबर 12.9.3 कवर्ड। फिर भी इसे जरा अच्छे से इसकी स्पेसिफिक इमेजेस दिखा के मैं आपको समझाऊंगा, बिकॉज मैं फ्री के पैसे ले रहा हूँ क्या? नहीं ना, मुझे बस फ्री के सब्सक्राइबर्स आप दे दें, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल बस इतना हो कि आपके जो रिजल्ट आए बोर्ड्स के वो मेरी वजह से अच्छे आ जाएं। सो यहाँ पे आपके पास डिफेक्ट भी बताया हुआ है, करेक्शन भी बताई हुई है। सो नॉर्मल में किसी लेंस की जरूरत नहीं होती आपके पास। इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है तो क्या है, मायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मैंने अभी बताया ओके। लाइट फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इसके लिए हम यूज करेंगे डाइवर्जिंग लेंस, सही है। डाइवर्जिंग लेंस को मैंने बताया, पूछा था क्या कहते हैं, अगर किसी बंदे को अभी कंफ्यूजन है तो वो समझ रहे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं हम कॉनकेव लेंस को ओके। जो कि कुछ इस तरह से रेज जो इस तरह से आ रही थी उन्हें डाइवर्ज कर देगा, जिसकी वजह से रेज थोड़ा पीछे जाके इमेज बनाएंगी ओके। अब हाइपरमेट्रोपिया देखें, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना ओके। लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना या इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, देयरफॉर वी यूज कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आई में एंटर होने से पहले ही रेस को जरा कन्वर्ज कर देगा, जिसकी वजह से इमेज जो है वो पीछे की जगह पे ऑन द रेटिना बनेगी लाइक दिस, एंड आपके पास जो आई का डिफेक्ट था वो करेक्ट हो जाएगा। सो विद दिस आपका एसएलओ नंबर 12.9 इज ऑल्सो कवर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है एंड इट इज अ बिट लेंथी चैप्टर। सो
do like, share and subscribe my channel for my efforts for you. And again, thank you so much for being connected and watching my videos. Bye.